सो हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रटेक। सो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं मोटोरोला वन माइक्रो। देखते हैं कैसा डिवाइस है। तो सबसे पहले आपसे सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला था, कुछ सिर्फ ट्रेन का वीडियोज डालता था मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और आज का अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मोटोरोला वन माइक्रो, यहाँ पर दो टेप, यहाँ पर और एक टेप लगा हुआ है। और ये इसको हटाता हूँ, इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पर आपको सब स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका AI कैमरा सिस्टम, लेज़र ऑटो फोकस, यहाँ पर मैक्रो विजन कैमरा। और यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Helio P70, 4GB रैम का स्टोरेज, इंटरनल रैम मिल जाता है। और यहाँ पर 4000 mAh बैटरी विद रैपिड चार्जर मिल जाता है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लू कलर, स्पेस ब्लू कलर, और यहाँ पर आपको रेड कलर मिल जाता है क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर भी कुछ मेंशंस है। सो इसका प्राइस बॉक्स में लिखा है 11999। तो ये मैंने लिखा है 9, लिया है मैंने फ्लिपकार्ट से 9999 में। सो अब हम लोग करते हैं इसको अनबॉक्स। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फोन रखा हुआ है, काफ़ी सॉलिड है। और यहाँ पर वही मेंशनड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैनुअल सिम इंजेक्शन टूल्स मिल जाते हैं, साइड में रखते हैं। यहाँ पर आपको 10W का टर्बो तो नहीं है, रैपिड चार्जर मिल जाता है, इसको भी हम लोग साइड रखते हैं। सो यहाँ पर आपको मिलता है आपको USB टाइप सी वाला केबल। मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया था और चेक भी कर लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक हाँ यहाँ से नहीं है, वहाँ से। सो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, मैं बॉक्स को रखते हैं साइड में। सो यहाँ पर फ़ोन है, इसको बूट अप करेंगे, इसे हटा लेता हूँ। सो इसमें मैंने टेम्पर डलाया, ये कोई कंपनी के साथ नहीं देते, सिर्फ कवर कंपनी के साथ मिलता है। सो मैं समझिएगा कि कंपनी टेम्पर दे रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा है। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है, देखने में लगता है ये चार है। तो यहाँ पर आपको मेन कैमरा यहाँ पर बीच में मिल जाता है। और यहाँ पर आपका 2 MP का माइक्रो कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है मेन कैमरा जो कि 13 MP का f/2.0 आई थिंक। और ये अभी हेलो मोटो बोला। तो यहाँ पर है आपका 2 MP का डेप कैमरा। और यहाँ पर आपका है लेज़र ऑटो फोकस, यहाँ पर है फ्लैश, यहाँ पर आपका मोटोरोला का डिम्पल। तो हम लोग इस कवर को एक बार खोल के देख लेते हैं। सो गाइस, अगर आप इसमें है अगर हाथ लगाएंगे तो इसमें बहुत सारा फिंगरप्रिंट लग जाएगा, मर्जेस हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा फ़ोन बूट अप हो चुका है। सो थोड़ा टाइम ले रहा है, सो हम लोग इसका ये थोड़ा हाई कर लेते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं आप, फ़ोन का इंटरफेस कुछ ऐसा है। इसमें सिर्फ गूगल और मोटरोला के ऐप्स आते हैं, मैंने कुछ ऐप डाउनलोड किए हुए हैं। सो मत समझिएगा कि मोटरोला ने पूरा स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है फ़ोन में। और हम लोग जाते हैं अब सेटिंग्स में। सो दोस्तों गाइस, मेरे पास था पहले मोटरोला का G5 Plus, देन मैंने इसको लिया है मोटरोला G5 Plus को बेच के। तो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, सिस्टम, देन एडवांस फीचर, नहीं, अबाउट मोबाइल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटरोला वन मैक्रो। और यहाँ पर एंड्रॉयड नाइन कहाँ है, हाँ ये है ना। सो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच का अपडेट आया ना, October 1 का है। और ये एंड्रॉयड 9 पर बेस्ड है, इसमें एंड्रॉयड 10 का भी अपडेट आएगा। तो रहते हैं साइड में। सो अब हम लोग कुछ कैमरा का सैंपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्प्ले का देखते हैं। तो यहाँ पर इसका मेन है जो कि मैक्रो कैमरा। हम लोग मैक्रो कैमरा से एक ये पेन का एक मैक्रो सैंपल लेंगे।
सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक मैक्रो शॉट लिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ओके और इसका नॉर्मल कैमरा देख सकते हैं आप, नॉर्मल कैमरा का फोटो कुछ ऐसा आता है। सो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिंगर लगा लिया था फिर वो नहीं हो रहा था। सो इसमें कैमरा के ऑप्शंस में यहाँ पर पोर्ट्रेट कटआउट, मैक्रो, यहाँ पर स्पॉट कलर, यहाँ पर सिनेमाग्राफ और यहाँ पर पैनोरामा और यहाँ पर लाइव फिल्टर। यहाँ पर आपको वीडियोस मोड में भी आपको मैक्रो मोड मिल जाता है और यहाँ पर आपका स्लो मोशन टाइम लैप्स वीडियो, क्योंकि मुझे टाइम लैप्स वीडियो लेने में अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर में आपको मिल जाता है HDR फ्लैश के लिए और यहाँ पर टाइमर, यहाँ पर कुछ ये नया है। सो मैं इसको आपको 2 मंथ्स रिव्यू के बाद बताऊँगा। और यहाँ पर आपको मिलता है ऑटोमेटिक या तो आप मैनुअल करने के लिए कैमरा मोड। यहाँ पर सेटिंग्स में आपको वही सेम चीज़ें आपको मिल जाती है। हाँ 1 मिनट, हाँ सेम। यहाँ पर आप फोटोज़ को ऐसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल है, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल है। सो मैं इसको नॉर्मल जो आया था उसमें ही रखता हूँ। और यहाँ पर आपको FHD तक सपोर्ट मिल जाता है जो कि अच्छा है। यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है। सो यहाँ पर मोटरोला का वाटर मार्क है जो कि ये ऐसे ऑन ऑफ हो सकता है। देखिए ऑन ऑफ हो सकता है ये, ठीक है ना। सो यहाँ पर देख लिया आपने। सो अब चलते हैं इसका फ्रंट कैमरा में। सो फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है इसका, 8 मेगापिक्सल का। यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट मोड लगा के रखा है। सो यहाँ पर है पोर्ट्रेट मोड, कटआउट मोड, नहीं स्पॉट कलर, और यहाँ पर सिनेमाग्राफ, ग्रुप सेल्फी। और यहाँ पर आपको मिल जाता है लाइव फिल्टर और यहाँ पर भी टाइम लैप्स। सो चलते हैं अब इसके डिस्प्ले में। सो डिस्प्ले में हम लोग जाते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब के नोटिफिकेशन आए। सो सेटिंग में जाते हैं डिस्प्ले में। सो डिस्प्ले यहाँ पर कुछ है, ब्राइटनेस लेवलर लेवल करने का, हाँ हाँ वो ही है। और यहाँ पर नाइट डिस्प्ले मिल जाता है, अडेप्टिव डिस्प्ले में मिल जाता है। सो मैं यूज़ करता हूँ अडेप्टिव डिस्प्ले। और यहाँ पर एडवांस में आपको मिल जाता है, एडवांस में आपको मिल जाता है इसका। मैं थोड़ा हाँ ये कम कर देता हूँ। एडवांस में आपको मिल जाता है कलर बूस्ट, जो कि मैंने रखा है बूस्ट में। ये कलर आप चेंज कर सकते हैं, मुझे ये बूस्ट अच्छा लगता है, बूस्टेड थोड़ा अच्छा कलर मिल जाता है उससे। सो यहाँ पर डार्क थीम, तो अभी मैं यहाँ पर डार्क थीम तो डाल रहा हूँ लेकिन अभी तक डार्क थीम तो नहीं आ रहा गाइस। सो बैक चलते अब हम लोग आते हैं इसके मोटोला एक्शंस में। सो यहाँ पर मोटो एक्शंस है, यहाँ पर जेस्चर कंट्रोल मिल जाता है कुछ ऐसे, आपको दिखाता हूँ। ऐसे करके चॉप चॉप फ्लैश वही सब मिल जाता है जो कि मोटरोला G5 प्लस में भी मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटो एक्शंस में वही जो कि आपको सब मिल जाता है। यहाँ पर मोटो डिस्प्ले, पिक डिस्प्ले, एडेप्टिव। सो अब चलते बैक। तो यहाँ पर अब हम लोग साउंड टेस्ट करने वाले हैं जो कि मोटरोला वन माइक्रो का है। और ये गूगल बार बार क्यों आ जाता है पता नहीं। सो मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ यहीं पर ही। सो गाइज अब हम लोग साउंड टेस्ट करने वाले हैं। सो देखिए and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait.
साउंड, अगर साउंड के मामले में अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे साउंड के मामले में मुझे ये डिवाइस बहुत अच्छा लगा। मेरे पास और भी ऑप्शन थे, जैसे कि G8 थे, मोटरोला G8 था, देन बहुत सारे फ़ोन्स थे रियलमी। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि इसमें माइक्रो कैमरा है, तो अच्छा फ़ोटोज़ खींच लूँगा, थोड़ा ब्लॉग भी मैं बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र प्रसाद ब्लॉग को जाइए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नया वीडियो भी आएगा बहुत जल्द, सो इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सो इसके डिस्प्ले के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। सो अब हम लोग जाते हैं डिस्प्ले के बारे में। सो अब मैं आपको मिलता हूँ डिस्प्ले के। सो हम लोग अब इसका साउंड टेस्ट तो हो गया, अब इसका डिस्प्ले टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि सब डिवाइस का करना चाहिए। सो मैं इसका ये बना लेता हूँ, इसको थोड़ा ये 720p में कर दें। यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में मुझे अच्छा लगा कि मोटोरोला का इतना अच्छा डिस्प्ले है, इसमें HD+ डिस्प्ले है तब भी इतना अच्छा वर्क कर रहा है। सो बैक चलता है अपने होम बटन बैक टू जो भी हो, आप समझ गए। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्राइस के मामले में, सब कुछ के मामले में मोटोरोला ने अच्छा निकाला ये फ़ोन, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका ये पूरा इंटरफेस। स्टॉक एंड्रॉयड है, कोई भी ऐसे नहीं है, सिर्फ मैंने कुछ ऐप्स डाउनलोड किए हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, और भी 3 अनबॉक्सिंग्स आने वाले हैं, बहुत मैंने क्या बताओ गाइस गलती कर दी है ना, कोई कुछ मैंने वीडियो डाला, सिर्फ मैंने सिर्फ ट्रेन का वीडियो डाला। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय। और हाँ गाइस, एक चीज़ दिखाना मैं आपको भूल गया, इसका टाइप सी केबल गाइस ये वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको USB का टाइप सी केबल मिल जाता है, ये यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ। USB टाइप सी का ये एक अच्छा चीज़ है कि दोनों तरफ से कनेक्ट हो जाता है। सो गाइस अब मैं वीडियो को कम्प्लीट कर देता हूँ, बाय।